मोगा दे विच अपराधिक वारदाता दिन प्रतिदिन वधदियां जा रही ने। पिंड कोठेपत्ती मोहब्बत के नेड़े खेतों के एक नौजवान की लाश मिली है, जिसके शरीर से सट्टा के निशान भी मिले ने। मृतक नौजवान की पहचान जसविंदर सिंह उर्फ जस्सू उम्र 28 साल वासी पिंड कोकरी कला के रूप में हुई है। लाश की हालत देख के लगता है कि नौजवान का कतल किया गया। दसिया जा रहा है कि मरण वाले नौजवान से कोई मामला दर्ज सी ते ओह जमानत ते आया होया सी। मृतक के पिता ने दसिया कि सवेरे 8 बजे पिंड का रहने वाला हरप्रीत सिंह उन्हां दे बेटे नूं इह गल आख के अपने नाल लै गया कि उसने राशन लैन जाना है, पर बाद दे विच उन्हां दा लड़का घर वापस नहीं आया, जिसकी शिकायत उन्हां दे वलों पुलिस नूं दित्ती गई। तां पुलिस दे कोलों उन्हां नूं पता लग्या कि उन्हां दे लड़के दा कतल हो गया ते उसकी लाश खेतां दे विच मिली है। मृतक के पिता ने पुलिस प्रशासन अगे इंसाफ की मांग करदिया कहा कि जिस किसी ने भी इस वारदात को अंजाम दिता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कारण अज कोई मुंडा सी पिंड चो आ के सवेरे 8 बजे तकरीबन लै गया भी मैं राशन पानी की घर वास्ते लैन जाना है, वो लेके उड़ गया जी। बाद चो वापस नहीं आया, फोन फान लाए असी नहीं पता लगा, फिर सुच बंद आँदी सी। बाद ची जो सुच खुली आई तो पंजाब पुलिस ने फोन ला के इन्हों को फोन इन्होंने पूछा जी, इन्होंने दसिया भी सट्टा लगियां वो तो थाने आ जाओ, असी थाने आ गए सी। उदू बाद कहते भी मोगे चले जाओ, इतने मोगे आ गए। मामला ये नहीं पता लगे भी की सी, कौन सी बंदे ले जाने वाले ते कोई उधर कोई जाति रंजी सी या कोई जाति दुश्मनी? नहीं, जाति दुश्मनी दा कोई बाला नहीं गई, पता लगूगा पुलिस तफ्तीश कर दी है। मुंडा वैसे पिंड चो सीगा जिहड़ा लेके कहना। कौन सी जिहड़ा लेके आया सी? हरप्रीत है जी। इन्हे तुहाडे बेटे दी उम्र कितनी सी? 28 साल जी। ब्याह होया? नहीं जी। हुण तुसीं की मांग कर रहे हो? मंग यही करते हैं जी, जिन जिन्हें ने इन्हों का कोई यह जी गलबात की उन्होंने वो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उधर पुलिस अधिकारी का कहना है कि मृतक लड़के के परिवारिक मैंबर के बयान के आधार पर मामला दर्ज करके अगे की कार्रवाई की जाएगी। सर अज इंस्पैक्टर साहब SHO मैणा जिन्हों तलाह मिली सी कि कोई डेड बॉडी जी हैगी बोना तो चुप की कच्चा रास्ता जोड़ा पुलिस हुए को डेड बॉडी पई है, जिदे संबंध में मौके पर जी पुलिस पार्टी पुजी उत्थे जाके जिहड़ा डेड बॉडी सी इहदे बारे पता लग्या भी जसविंदर सिंह जस्सू पुत्र गुरमीत सिंह जी दी 28 साल की उम्र आ, पिंड कोकरी कलां दा रहण वाला है। जिहड़ी मौके पर पहुँच के इहदी जिहड़ी जसविंदर सिंह वजों जिहड़ी पछाण हुई है, जिहदी डेड बॉडी मोर्चरी दे विच सिविल हॉस्पिटल दे विच रखी गई है। इहदे वारसां दे ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।